वेलकम एवरीवन। आप सभी के बहुत ज़्यादा कमेंट आ रहे थे इंग्लिश के पेपर को लेकर। आज का जो इंग्लिश का आपका पेपर हुआ था उसको आप सभी देख लीजिए दोस्तों। आंसर सहित मैं आपको बताने वाला हूँ। पैसेज देखिएगा, पहला हवाला देखेंगे हम और इसको सेक्शन ए में रखा गया है। इसके आंसर मैं आपको बता देता हूँ सबसे पहले, ठीक है। इसके जो राइट आंसर थे वो यहाँ पर देख लीजिए। सबसे पहले आप दोस्त देखेंगे तो दोस्तों ये आपके ऑब्जेक्टिव थे जिसमें आपका इसमें आपका जो आंसर होगा इसमें पहले वाले का राइट आंसर आप देख लीजिएगा। पहले वाले का राइट आंसर आपका बी होगा और इसमें आप देखिएगा दूसरा वाला, दूसरे वाले में आप राइट आंसर लगाएंगे इंडिया और यहाँ पर देखिएगा तीसरे वाले में आप लगाएंगे 14 डिग्री अबाउट दैट ऑफ, ठीक है, इस बी वाला। और उसके बाद में चौथे में आप लगाएंगे आंसर सी और चौथे में आप ए आपका राइट आंसर हो जाएगा, सॉरी चौथे और पाँचवें का ये आंसर है सी और ए, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, सेक्शन हम बढ़ते हैं ए की ओर आगे। क्वेश्चन नंबर आपका दूसरा रहेगा पैसेज नंबर दो। पैसेज नंबर दो देख लीजिएगा, इसमें आपने राइट आंसर क्या लगाया है जल्दी से मिला लीजिएगा। और यहाँ पर देखिएगा इसमें आपका राइट आंसर होगा बी वाला, इसमें आपका सी, इसमें आपका सी और इसमें देखिएगा आपका राइट आंसर होगा, देखिए इसमें राइट आंसर जो है ए और इसमें होगा आपका सी, ठीक है, ये कंप्लीट हो गया। चलिए सेक्शन सी की ओर बढ़ते हैं। अब देखिए सेक्शन मैंने बी आपको नहीं बताया क्योंकि उसमें आपको नोट मेकिंग ऐसे वगैरह और एप्लीकेशन वगैरह आपको लिखना थी। उसमें सेक्शन सी की हम बात करेंगे और इसमें आपको 5 करना है और यहाँ पर खालिस्तान आपके सामने है। राइट आंसर मैं बता देता हूँ पहले वाले में क्या आएगा, तो यहाँ पर देखिएगा ही इज ऑनेस्ट मैन, तो ठीक है एन आपका राइट आंसर हो जाएगा इसमें। और दूसरे वाले में देखेंगे माई, ठीक है मैं, और जिसके बाद में तीसरे वाला देखिएगा, इसमें तीसरे वाले में आप लगाएंगे विकास, ठीक है। और चौथे वाले में आपका राइट आंसर हो जाएगा सिंस। और पांचवे में देखिएगा बिटवीन आपका राइट आंसर होगा। और छठे में देखेंगे आप अंटिल आपका हो जाएगा। आगे बढ़ जाइए और यहाँ पर डू एस डायरेक्ट भी मैं आपको बताऊँगा पूरा, ठीक है। यहाँ पर देखिएगा सी दैट यू हैव नॉट, तो यहाँ पर आपको देखिए लीव लेफ्ट और लेफ्टेड में से आपको एक भरना था तो इसमें आपका राइट आंसर होगा लेफ्ट, ठीक है लेफ्ट आपका राइट आंसर होगा। यहाँ पर डू एस डायरेक्ट देखिएगा और इसमें भी आपको 5 करना है, ठीक है। चलिए तो मैं एक स्क्रीनशॉट है उसके माध्यम से आपको बता देता हूँ। सभी स्टूडेंट ध्यान दीजिएगा, डू एस डायरेक्ट मैंने ये यहाँ पर लिख दिया है, पहला दूसरा तीसरा चौथा पांचवा छठा सातवा, ठीक है ये डू एस डायरेक्ट आपके राइट है। यदि आपने ऐसा लिखा होगा तो आपके राइट है, जैसे कि पहला वाला था आई वांट टू स्कूल, ठीक है ये आपका राइट हो जाएगा, उसमें आपको चेंज करना था, ठीक है। उसी प्रकार ये 8 के 8 7 के साथ ही यहाँ पर है, ठीक है आप देखिएगा, ठीक है। चलिए तो हम आगे देख लेते हैं, ठीक है तो आपने मिला लिया यहाँ पर पूरा देख लीजिएगा। पहला वाला जैसे कि मैंने आपको बताया था, ये दूसरा है, ये तीसरा है, ये चौथा, ये पांचवा, ये छठा, सातवा। पहले वाला जो था आई वेंट टू स्कूल था, ठीक है वांट नहीं है, ऐसे ही थोड़ा सा वेंट है, वेंट लिखना आप इसमें। चलिए आगे बढ़ते हैं और हमारा जो पेपर था वो आज कंप्लीट हो चुका है, रुक जाना नहीं का। आप सभी के अच्छे मार्क्स आएंगे बिल्कुल, आप निश्चित रहें। बहुत सारे दोस्तों का कमेंट आ रहा था वीडियो को लेकर, इसलिए जल्दबाजी में वीडियो बनाना पड़ा। धन्यवाद आप सभी का, अपने मित्रों तक भी शेयर करिएगा क्योंकि ये ग्रामर का है दोस्तों। तो ये आज का पेपर था आपका जो पूरा आपको बता दिया गया है। बाकी जो कुछ चीज़ें ऐसी हैं साथियों जो आपको बुक से ही कंप्लीट करनी थी तो आप अच्छे से इसको कंप्लीट कीजिए, जो भी आपका बुक से आया है उसको थोड़ा कंप्लीट कर लीजिएगा क्योंकि समय का थोड़ा अभाव था, इस कारण से मैंने जल्दबाजी में ये वीडियो आपके लिए बनाया है। धन्यवाद, सभी को शेयर कर दीजिएगा। गॉड ब्लेस यू ऑल।